जय हिंद। हमारे नए शो चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, देश के 4 राज्यों में चुनाव हैं और आज हम राजस्थान में हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं विधानसभा है और हम इस शो की शुरुआत करने जा रहे हैं एक उत्तर प्रदेश के जाट समाज के वरिष्ठ नेता से, जिनका नाम है सतपाल चौधरी। जाट आरक्षण का मुद्दा या कई तरह के ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए हैं प्रदेश में, बीएसपी से जुड़े हुए हैं, बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं और जाट समाज भाईचारा कमेटी के संयोजक भी हैं राजस्थान के। तो स्वागत है आपका सतपाल जी। सबसे पहले तो आप उत्तर प्रदेश से राजस्थान में राजनीति करने आए हैं, तो इसमें क्या राजनीति है? नहीं, राजनीति करने नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है राजस्थान में, तो उस चुनाव को देखते हुए, और महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि यहाँ पे पिछली बार 6 सीटें विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी जीती थी, अभी भी 3 एमएलए हमारे हैं, तो और यहाँ कांग्रेस और भाजपा से लोग उकता चुके हैं, बहुत उनकी कार्यप्रणाली को समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त अवसर है। उस अवसर को देखते हुए बहन जी के निर्देश पर मैं जाट समाज के बीच में काम कर रहा हूँ। राजस्थान की बात हम बाद में करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बड़े आंदोलन आपने किए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन था, उसके अलावा किसानों का आंदोलन था, बझेड़ा का, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट का, सावेरी वाला डीनोटिफिकेशन हमने कराया, वो किसान आंदोलन था। उन आंदोलनों में हम पे मुकदमे भी कायम हुए और बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, उस दौरान जाट आरक्षण आंदोलन में हम लोगों ने पानी और रेल रोकी, गृहमंत्री के घर में भी दिल्ली घुसे, तो उनका हमेशा हम लोगों को सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो इसलिए जाट समाज पूरी तरह से, और चाहे सरकारी पुलिस की भर्ती हो या गन्ना किसानों का मामला हो या कानून व्यवस्था की बात हो, तो उत्तर प्रदेश में बहन जी के सुशासन उनको लोगों ने देखा है, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ बताने के लिए हम राजस्थान। आपकी पार्टी की जो सुप्रीमो है, उन्होंने जाट समाज में सिर्फ एक आप ही को चुना है, राजस्थान में जाइए और जाकर के जाटों को एकत्रित कीजिए, लेकिन यहाँ पर जाट नेता और भी हैं, क्या आपको लगता है इस कार्य में आप सफल हो पाएंगे? नहीं, देखिए, मेरी जिम्मेदारी जोड़ने की है, मैं जोड़ने के लिए यह लोगों को आया हूँ और यहाँ के स्थानीय नेता ही इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे और बाकायदा स्थानीय नेताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो बहन जी के पास ले जाकर हम उस सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जाट समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी का टिकट दिलाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में गठबंधन पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो बहन जी का निर्देश ये है कि हमें 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ना, और क्योंकि यहाँ भाजपा और कांग्रेस की अदल बदल के सरकार रहती आई है और दोनों सरकारों ने ना किसानों के लिए कुछ किया है, ना कानून व्यवस्था के लिए कुछ किया है और ना यहाँ के लोगों के रोजगार की व्यवस्था की है, तो इसलिए एक विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ मैदान में है और हम समझते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को लोग मौका देंगे। राजस्थान की राजनीति में एक उभरता हुआ नाम है, बहुत ही चर्चित है, हनुमान बेनीवाल। सुनने में आ रहा है तीसरा मोर्चा जो बनाया जा रहा है उसके मुखिया वही होंगे, क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल कुछ कर दिखाएंगे या सीएम पद के दावेदार होंगे? नहीं, देखिए, हमने तो बहन जी से कहा, हमारी पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम तो यदि यहाँ पे यहाँ राजस्थान के लोग हर बार भाजपा, कांग्रेस और दूसरे दलों से 45 से लेकर 55 तक सीट जाट विधायकों को देते हैं, हम तो कह रहे हैं आप हमें केवल जाट समाज 25 सीट दे दे बहुजन समाज पार्टी को, हम बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी से यहाँ जाट को सीएम बनवा देंगे। तो ये नया कार्ड खेला गया है, जाट कार्ड, इसीलिए आपकी पार्टी की जो मुखिया हैं उन्होंने यहाँ पर जाट समाज को जोड़ने के लिए भेजा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जिस प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की लगातार सरकारें रही हों, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सरकार बना लेंगे? देखिए, यहाँ पे 15% आबादी है SC ST की और 7 से 8% आबादी है ST की, जो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का मतदाता है, और उसके अलावा जाट समाज में जो आक्रोश है इन दोनों पार्टियों के प्रति, भाजपा और कांग्रेस के प्रति, उस आक्रोश के लिए केवल प्लेटफार्म बचता है बहुजन समाज पार्टी का। तो मैं समझता हूँ कि यदि जाट समाज जो 20-21% है इस प्रदेश में, वो यदि इन सब के साथ मिलता है और एक भाईचारा कायम होता है SC का, ST का, OBC का, जाट समाज का, और जो सवर्ण समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं उनका यदि एक भाईचारा बनता है, तो यकीनन राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आजकल देश में जो माहौल है, क्या आपको लगता है 2019 में बीजेपी रिपीट करेगी? देखिए, GST नोटबंदी ने सब कमर तोड़ दी, काम धंधा सब चौपट हो गया, और उसके अलावा जो
रोज घोटाले जो बैंकों के पैसे लेके लोग भाग रहे हैं यहाँ से, विदेश भाग रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल डीजल के रेट आप देख रहे हैं, बेरोजगारी की बुरी हालत है और काम धंधे सब चौपट है, व्यापार चौपट है, कारोबार चौपट है, उससे भारतीय जनता पार्टी की जितनी बदनामी हुई है और जितना वो झूठी पार्टी साबित हुई है उससे साफ संकेत दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस जिस तरह से लगातार रसातल में जा रही है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में एकमात्र विकल्प है। और जिस तरह से चाहे हरियाणा में चौटाला साहब हों, चाहे लालू जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे और दूसरे क्षेत्रीय दलों के अजीत जोगी जी हों, तमाम नेताओं ने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया कि बहन कुमारी मायावती जी ही इस देश की प्रधानमंत्री बनकर इस देश को सही पटरी पर ला सकती हैं, अर्थव्यवस्था को भी। और जो मॉब लीचिंग जो पूरे देश में जो दंगा फसाद चल रहा है, लोगों में टेंशन है, सीमा पे शहादत हो रही है, उन सब से यदि सीमाओं की रक्षा कोई कर सकता है तो वो केवल बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं। आप बसपा सुप्रीमो के करीबी माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के गठबंधन के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस पर तो बहन जी निर्णय लेंगी, जो भी लेंगी, अभी बहन कुमारी मायावती जी लेंगी, अभी वहाँ पर चुनाव भी नहीं है, अभी चार राज्यों में चुनाव है। हमारा छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी जी से वहाँ गठबंधन हुआ है और मध्य प्रदेश में भी हम बड़ी तादाद में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी राजस्थान में भी बहुत मजबूत प्रत्याशी हमारे आ रहे हैं। बहन जी की मीटिंगों के कार्यक्रम यहाँ पे, चुनावी रैलियों के कार्यक्रम यहाँ आ चुके हैं। 8 मीटिंग यहाँ पे करेंगे और 12 मध्य प्रदेश में। तो बहन जी जैसे ही यहाँ मैदान में उतरेंगी तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले चुनावी रैलियों की सभाओं की घोषणा हमारी पार्टी ने की है और लोग बड़ी उम्मीद के साथ में बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं। सुनने में आ रहा है 2-3 छोटी पार्टियाँ हैं जो क्षेत्रीय हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ भारतीय पंचायत पार्टी की, या फिर एक तिवाड़ी जी की पार्टी है जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है, तो इस तरह की पार्टियों का समर्थन आपको मिलेगा या नहीं? नहीं, हमने तो अभी तो बहन जी का जो निर्देश है वो है कि हमें यहाँ अकेले 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं और 25 तारीख तक 80% उम्मीदवार हमारे फाइनल हो जाएंगे। करीब 70-80 टिकट बहन कुमारी मायावती जी के दस्तक से, उनकी सहमति से यहाँ फाइनल हो चुके हैं। आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, क्या लगता है कि आपकी पार्टी को, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे वो, आपकी पार्टी को उनके जाने से नुकसान होगा? नहीं, और बहुत सारे चेहरे हैं हमारे यहाँ, मुनकाद अली जी हैं जो राजस्थान में प्रदेश के प्रभारी लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी को, जो बहन कुमारी मायावती जी ने जितना कुछ सम्मान दिया है, इतना शायद किसी नेता को और मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम समाज के नेता को मिला हो किसी पार्टी में। आपकी पार्टी के दो बड़े नेताओं की हाल फिलहाल हत्या कर दी जाती है, तो इसका क्या संकेत है पार्टी पर, इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में केंद्र में, तब से लगातार बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को, उनके नेताओं को और बहुजन समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जगह जगह बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित करने का काम किया जा रहा है और आरक्षण को ख़त्म करने की बात की जा रही है, इस देश में संविधान को ख़त्म करके मनुवाद लागू करने की बात की जा रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी जिस मजबूती के साथ में खड़े होकर पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को, वंचितों और बेसहारा मजलूम लोगों को हिम्मत देने का, नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि हम लोग, ये कितना भी अत्याचार करें भारतीय जनता पार्टी की पार्टी, हम लोग मजबूती से डटे रहेंगे और एक दिन ये आएगा कि हम इस संविधान की रक्षा करते हुए इस संविधान के तमाम कानूनों को, तमाम धाराओं को इस देश में लागू करके आम आवाम को जो सपना था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का, दीनबंधु सर छोटू राम साहब का, उस सपने को साकार करने का काम करेंगे बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में दलित चेहरा एक बड़ी तेज़ी के साथ उभरा है, आप जानते होंगे रावण के नाम से मशहूर हैं वो, क्या आपकी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? अब ये तो उन पर डिपेंड करता है, वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उनका बयान पढ़े हमने कि वो उन्होंने बयान दिया था एक अखबार में, मैंने पढ़ा कि बहन कुमारी मायावती को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अभी अभी जिग्नेश मेवाणी गुजरात से जो विधायक हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है कि अगर मायावती कहेंगी तो मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, अब ये तो बहन जी तय करेंगे कि किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी इस देश में दलितों का, पिछड़ों के, शोषितों के, मजलूम के, किसानों की एक बहुत बड़ी आइकॉन है और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग जिस तरह से बहन जी को इस देश की बागडोर सौंपने के लिए माहौल बना रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं और सहमति प्रदान कर रहे हैं, उससे यकीनन हौसला बढ़ रहा है बहुजन समाज के लोगों का। आप कहते हैं कि राजस्थान में 200 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, तो कितनी सीट आने की आपकी संभावना है?
देखिए हम तो कोशिश करेंगे कि हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। मतलब आपसे पहले कितनी सीटें थी आपकी? नहीं, पहले 6 सीटें यहाँ रही। तो 6 सीटें आपकी रही हैं और 6 सीटों से आप डायरेक्ट एकदम सरकार बनाने तक आ गए। 2 अप्रैल की घटना के बाद और बहुजन और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो खराब नीतियाँ हैं उनके कारण जो लोगों का उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, उनके हक हकूक मारे गए हैं, उससे लोगों के मन में अब ये विश्वास जगता जा रहा है सीधे सीधे कि केवल बहुजन समाज पार्टी ही की हुकूमत में ही सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ में कि जो जनता का जो जिस तेज़ी के साथ में रुझान बढ़ रहा बहुजन समाज पार्टी के प्रति, बहन कुमारी मायावती जी के प्रति, उससे यकीनन हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में इस बार बदलाव होगा। लेकिन आपकी पार्टी पर ये आरोप भी लगते रहे हैं हमेशा से कि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलितों की पार्टी मानी जाती है, कभी भी किसी पर भी आप कोई आरोप लगा देंगे जाकर उसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करा देंगे और उसको बंद कर दिया जाएगा, बाद में पता लगता है कि वो निर्दोष है, तो कहीं ना कहीं इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। नहीं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, दलितों की पार्टी होती तो सतपाल चौधरी बहुजन समाज पार्टी में क्यों होता, मुनकाद अली जी क्यों होते, रामचंद्र राजभर जी पिछड़े समाज से आते हैं वो क्यों होते, और बहुत सारे नेता हैं हमारी पार्टी में, ब्राह्मण समाज के भी नेता हैं, सतीश मिश्रा जी क्यों होते, तो ये सब सभी सर्व समाज की पार्टी है, अकेले दलित समाज की पार्टी नहीं। आपने एक बड़ा नाम है ब्राह्मण समाज का, सतीश मिश्रा का नाम लिया है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनकी सरकार जब थी उत्तर प्रदेश में, आप लोगों की सरकार थी, तब उनकी एक तरह से मिनी सीएम बोले जाते थे और फिर अचानक ही उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है, क्या ये सही है? नहीं, वो कभी दरकिनार नहीं हुए, वो जो बहन जी ने जो जिम्मेदारी इस पार्टी में जिसको सौंपी है वो अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाता है और वो निभा रहे हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ थे BSP के वरिष्ठ नेता जो कि जाट समाज से आते हैं, सतपाल चौधरी, जिनको जाट भाईचारा समिति का संयोजक राजस्थान बना करके बसपा सुप्रीमो ने भेजा है और इनकी पार्टी का आज सम्मेलन भी है जिसके ये संयोजक भी हैं। इनका कहना ये है कि राजस्थान में इनकी सरकार बनने जा रही है और राजस्थान के साथ साथ देश में मायावती जी प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होंगी। इसका पता तो चुनाव हो जाने के बाद ही पता लगेगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। तो चुनावी चौपाल में ऐसे ही किसी और बड़े चेहरे से आपको मिलाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए चुनावी चौपाल। जय हिंद।